गुरुदेव अपने इस तुच्छ शिष्य श्रीकर के हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर भक्ति एवं ज्ञान के तेज से आलोकित कर दीजिए। श्रीकर, भगवान की भक्ति में समर्पण का भाव होना आवश्यक है। स्वयं को भुलाकर अपने इष्ट को पूर्णतया समर्पित होना पड़ता है। अतः सब कुछ भुलाकर पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन आरंभ करो। अब तुम एकाग्रचित होकर भगवान शिव में ध्यान लगाओ तथा शिव मंत्र का जाप करते हुए पूजन आरंभ करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंजनी सुत श्रीकर निर्देशा किए शिव पूजन शिव अभिषेका। सुवासित चंदन लेप लगाए बेल पत्र अरु सुमन चढ़ाए। बहुत अच्छे श्रीकर, अब तुम शीघ्र ही भक्ति की पराकाष्ठा को स्पर्श कर लोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्य है हनुमान जो स्वयं भक्ति के श्रेष्ठतम शिखर पर पहुंचकर भगवान की श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं और अब इस नन्हे भक्त को भी भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा रहे हैं। देवी, जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उस शिष्य का उद्धार हो ही जाता है और फिर जिस पर हनुमान की कृपा हो जाए उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित ही है। बालक शिव जपे दिन बिसराए, सो किंतु माता नहीं भाई। हनुमत जिस पे कृपा लावे सो भव सागर से तर जावे। हे विधाता, ऐसा भागी माँ के भाग्य में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं आप? पति ने साथ छोड़ दिया, एक पुत्र मिला वो भी किसी योग्य नहीं, दिन रात मात्र भक्ति में ही डूबा रहता है। हे प्रभु, इस दुखियारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? हे प्रभु, इस दुखियारी की और कितनी परीक्षा लेंगे आप? ये सब क्या हो रहा है? स्वर्ण जड़ित पात्र और धन धान्य के भंडार कैसे हो रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब कैसे हो गया? क्या हो रहा है? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार है या फिर मेरे मन की कल्पना? कहीं मैं बावली तो नहीं हो गई? मेरी टूटी फूटी कुटिया भी स्वर्ण भवन बन गई? ये मेरे पुत्र की भक्ति का चमत्कार ही। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतनी तेज प्रकाश कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उठो पुत्र शीकर। प्रणाम भोले बाबा। प्रभु, सुना था आपके दर्शन के लिए वर्षों घोर तप करना पड़ता है, किंतु आपने तो मुझे इतने शीघ्र दर्शन दे दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है अपने नेत्रों पर। पुत्र शीकर, जिसे सच्चे गुरु की कृपा मिल जाए ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। तुमने अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखते हुए
भक्ति की है, ये उसी निष्ठा एवं भक्ति का फल है। गुरुदेव, आपके निर्देश से ही मुझे मेरे भगवान के शीघ्र दर्शन हो पाए हैं। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं भगवान हैं, जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। पुत्र, गुरुदेव शिष्य के लिए भगवान से भी महान होते हैं, क्योंकि वही प्रभु से मिलाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अब ये बताओ श्रीकर, इस श्रेष्ठ भक्ति के फल स्वरूप मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? प्रभु, निर्धन हूँ और निर्धन का सबसे बड़ा धन उसका संतोष होता है। अतः प्रभु, मुझे धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। मैं तो मात्र इतना ही चाहता हूँ कि जब तक ये जीवन है तब तक मेरे हृदय में आपके श्री चरणों की भक्ति बनी रहे, और जब मैं ये देह त्यागूं तो आपके नित्य धाम में मुझे निवास मिले। प्रभु, ये तुम्हारी निश्चल भक्ति का फल है पुत्र। अब तुम्हारे इच्छित वर के अनुसार मैं तुम्हें भगवान शिव के नित्य धाम में निवास का अधिकारी बनाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। श्रीकर, एक वरदान मैं तुम्हें अभी ही प्रदान करता हूँ। तुम यदुवंशी हो। यदु और उनके वंशजों को यदु के पिता ने निर्धनता श्राप दिया था। मेरा ज्येष्ठ पुत्र यदु, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारा वंश सदैव पतन की ओर अग्रसर रहेगा, सदैव निर्धनता और पतन के अंधकार में घिरे रहेंगे। किंतु तुम्हारी श्रेष्ठ भक्ति ने उस श्राप का शमन कर दिया है। मेरा वरदान है तुम्हें, एक दिन तुम्हारे ही कुल में स्वयं भगवान नारायण ही अवतार लेंगे और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएंगे। हे प्रभु हनुमान, हे महादेव, आप दोनों की दया दृष्टि सदैव इस तुच्छ भक्त पर बनी रहे। इससे अधिक और कोई अभिलाषा नहीं है मेरी। आप दोनों की कृपा से मेरे कुल पर लगा हुआ श्राप मिट गया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। भविष्य में तुम्हारे कुल में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। प्रणाम मेरे प्रभु महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो श्रीकर, कल्याण मस्तु हनुमान। त्रेता युग में प्रिय हनुमान ने नारायण अवतार श्री राम की जीवन भर सेवा की। अब इस द्वापर युग में हनुमान ने प्रभु नारायण के अवतार धारण करने से पूर्व ही उनकी सेवा आरंभ कर दी। सम्मान की सब सुध जन देखे लीला श्री हनुमान की। सच्चा गुरु एवं शिक्षक वही होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है।